दोस्तों आप तो जानते ही हैं हमारी बॉडी में 80% से ज्यादा पानी होता है। इसी की वजह से हमें अपने डेली रूटीन में पानी का रेशो बहुत ज्यादा बढ़ा देना चाहिए और बहुत ज्यादा पानी पीना भी चाहिए, जैसा हम सुनते आ रहे हैं और हम जानते भी हैं। लेकिन अगर उसी पानी को गलत समय पर और गलत तरीके से पिया जाए तो वो पानी आपके शरीर में फायदा देने की जगह बहुत सारी बीमारियों को पैदा करता है, जैसे कि पूरा दिन सुस्ती आना, हेयर फॉल बहुत ज्यादा बढ़ जाना, स्किन पर समय से पहले एजिंग आ जाना, इनडाइजेशन, जॉइंट्स में पेन, आर्थराइटिस, किडनी और हार्ट का समय से पहले खराब हो जाना और खून में गंदगी का जमा हो जाना। तो ये सारे रीजंस होते हैं, और ऐसे बहुत सारे रीजंस होते हैं जो आजकल कॉमन है, जैसे कि हार्मोन का इम्बैलेंस होना। सबसे ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम आजकल बढ़ गई है पीसीओएस और पीसीओडी की, है ना। तो ये सब रीजंस आजकल इसी वजह से हो रहे हैं क्योंकि हम लोग पानी पीने का सही तरीका नहीं जानते हैं। दुख की बात तो यही है कि 99% लोग बहुत ही गलत तरीके से पानी पीते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप किन तरीके से गलतियां करते आ रहे हैं जिसकी वजह से आपका या तो वेट लॉस नहीं हो रहा या फिर आपका बॉडी मसल भी नहीं बन रहा है। वो सब डिपेंड करता है पानी के ऊपर। डाइट भी मैटर करती है लेकिन पानी उससे कहीं ज्यादा मैटर करता है। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना और इंस्टा पे मुझे फॉलो जरूर करना। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है @ishramehra और फेसबुक पे मेरा पेज है हेल्थ टाइम। तो चलिए दोस्तों अब जानते हैं क्या है वो गलत तरीके और कैसे उनको हम सही कर सकते हैं। जहां भी पानी की बात आ जाती है तो हम लोग सोचते हैं बस पूरा दिन पानी का रेशो कवर करना है, और सबसे पहले गलती हम क्या कर बैठते हैं, खाने के बीच में बहुत से लोग पानी पीते हैं, खाने के इमीडिएटली बाद पानी पीते हैं, या खाने से हल्का सा जैसे खाना सामने आया और फिर पानी पहले ही पी लिया। तो अगर आप ये गलती कर रहे हैं तो इससे मैं आपको बता देती हूँ कि आपको ये सारी बीमारियां होंगी, और साथ ही साथ अगर आप वेट लॉस प्रोसेस पर हैं तो वो भी आपका नहीं हो पाएगा, या अगर आप बहुत ही ज्यादा दुबले पतले हैं तो आपका बॉडी नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा? क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी में हीट प्रोड्यूस होती है, और जब वो हीट प्रोड्यूस होती है तो वो खाने को डाइजेस्ट करती है। जब आप ऊपर से ठंडा पानी या नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला भी पानी इमीडिएटली डाल देते हैं तो उससे क्या होता है, आपकी जठराग्नि शांत हो जाती है और वही खाने से जो मिलने वाले पोषक तत्व थे न्यूट्रिशन से, माइक्रो न्यूट्रिशन से, वो नहीं मिलते हैं हमारे शरीर को, बल्कि वो आपके शरीर में खाना स्टोर होने लगता है और फैट के रूप में कन्वर्ट होने लगता है। तभी आपने बहुत सारे लोगों को कहते हुए सुना होगा, यार मैं तो बहुत पानी पीता हूँ फिर भी वेट लॉस नहीं होता, यार मैं तो बहुत पानी पीता हूँ फिर भी मेरा वजन बढ़ता ही नहीं है, खाना मुझे लगता ही नहीं है। क्योंकि जब हम गलत तरीके से पानी पीते हैं तो वो खाने की सारी न्यूट्रिशन वैल्यू को खत्म कर देता है। तो अगर आपने पानी पीना है तो इसके लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट रूल है कि खाने से 45 मिनट पहले पानी पिए और खाना खाने के कम से कम 45 मिनट बाद पानी पिए। 45 मिनट का गैप आपने मेंटेन करना है और इन बिटवीन खाने के साथ साथ आपने पानी नहीं पीना है। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट गलत तरीके की तरफ। हम में से बहुत सारे लोगों को ये तो पता है कि पानी का रेशो कवर करना है, लेकिन इस चक्कर में हम पूरा दिन पानी पीते रहते हैं, और ज़्यादा पानी पीने से भी हमारी बॉडी फूलने लगती है, हमारे ब्रेन में पानी जमा होने लगता है, हमें चीज़ें भूलने की आदत हो जाती है, हम ठीक से नींद नहीं ले पाते हैं। जी हाँ, ये प्रॉब्लम भी आजकल के टाइम में बहुत सारे लोगों को फेस करनी पड़ी है। अगर आप गूगल करेंगे, स्टडी करेंगे थोड़ा सा इस बारे में, तो आपको भी पता चलेगा कि कई लोग बहुत ज़्यादा पानी का रेशो कवर करने के लिए बहुत एक्सट्रीम पानी पी लेते हैं, जिसकी वजह से भी उनके बॉडी में बल्जेस आने लगते हैं, फैट बढ़ने लगता है, और इसी तरीके की कई तरह की ब्लॉटिंग की, एसिडिटी की प्रॉब्लम्स पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। तो आपने पानी का रेशो कवर करना है मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 से 4 लीटर, लेकिन अगर इससे ओवर अगर आप जा रहे हैं तो वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं करेगा, तो वो ऑटोमेटिकली आपके शरीर में बीमारियां लेकर आएगा, वेट गेन करेगा और भी बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगली गलती की तरफ। दोस्तों, क्या आप भी यही गलती करते हैं जब गर्मी के मौसम में बाहर से आते हैं बिल्कुल थके हारे, पसीने के चूर होते हैं, और सीधा फ्रिज की तरफ भागते हैं और ठंडा पानी मुंह से लगा लेते हैं? देखिए, ठंडा पानी आपके शरीर के लिए बिल्कुल जहर है, है ना, क्योंकि वो आपके शरीर में जितना भी आपने पूरा दिन खाया है उस खाने को वो एकदम से अपने अंदर होल्ड कर लेगा। आपकी ब्लड वेसल्स को क्या करता है, वो बिल्कुल सिकोड़ देता है, नसों को बिल्कुल श्रिंक कर देता है, और जो भी आपने खाना खाया है और से मिलने वाले जो आपके पाचक रस थे उनको वो बहुत सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। वो इतना सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है कि अगर आप अच्छा डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं, अच्छा वर्कआउट भी कर रहे हैं, तो भी वो आपके ऊपर असर करना बंद कर देता है, क्योंकि वो आपके खाने को स्टक कर देता है और आपका वेट एकदम से स्टक हो जाता है, कम होने का नाम नहीं लेता। ठीक है, इसके साथ साथ ठंडा पानी आपके हार्मोन को इम्बैलेंस भी करता है, जो आजकल स्पेशली गर्ल्स को बहुत ज्यादा फेस करना पड़ रहा है, जैसे पीसीओएस हो गया, पीसीओडी हो गया, थायराइड हो गया, ये
ये सब इसी वजह से प्रॉब्लम, इतनी अनकॉमन प्रॉब्लम कॉमन बनती जा रही हैं। तो अगर आपको पानी पीना है तो इतने गर्मी में मैं आपसे ये कहूँगी कि नहीं आप बिल्कुल कोसा पानी पिए तो वो भी बेवकूफ़ी है, लेकिन हाँ इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप अपने घर में घड़ा ला कर रखें इस तरीके का, और जब भी आपको पानी पीना है तो पूरा दिन बस इस पानी को पिए। क्योंकि मटके का पानी पीने से क्या होता है, वो पीएच लेवल मेंटेन भी रहता है, ऑटोमेटिकली वो सारे बैक्टीरिया को ख़त्म भी कर देता है, और वो आपके शरीर को बिल्कुल भी नहीं फुलाएगा। आपको पानी से जो फायदे मिलने थे वो प्रॉपर तरीके से मिल पाएंगे। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी अगली गलती की तरफ। दोस्तों, क्या आप भी ये गलती कर रहे हैं, जब पानी पीते हैं तो सीधा घट घट करके पी लेते हैं? जो हम में से मैक्सिमम लोग ये गलती करते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, लेकिन ये ज्ञान बांटने का काम हर जगह नहीं हो सकता, तो मुझे लगा मेरी फैमिली आप लोग हैं तो मैं आप ही के साथ में ये चीज़ शेयर करूं, ताकि आज से आप भी इस आदत को सुधार लें। जब हम एकदम से घट घट करके पानी पीते हैं तो हमारी किडनी उसको फिल्टर नहीं कर पाती है, और जब किडनी फिल्टर नहीं कर पाती है तो हमारे जो पानी है उससे हमारे शरीर में जो फ़ायदा मिलना था बल्कि वो नुकसान बनने लगता है, बीमारियाँ पैदा होने लगती हैं। आपने देखा होगा, आप अच्छा वाला सोते हैं और सुबह आपका पेट फूला हुआ दिखता है, आपके हाथों पैरों में सूजन दिखती है, आपके फेस पे स्वेलिंग दिखती है ना, क्योंकि आपकी बॉडी पानी को होल्ड कर लेती है। इसी वजह से होल्ड करती है क्योंकि आपने एकदम से गटाक करके पानी पी लिया, बॉटल उठाए पानी पी लिया, एक सांस में पानी पी लिया। बहुत लोग कंपटीशन करते हैं कि एक सांस में आप कितना पानी पी सकते हो, तो वो बिल्कुल मूर्खता है, ऐसा बिल्कुल ना करें। अब इसका सोल्यूशन क्या है, जब भी आपने पानी पीना है तो एक ग्लास में हमेशा सिप सिप करके पिए। सिप सिप करके क्यों पीना है, क्या लॉजिक है वो भी जान लीजिए। हमारे मुंह में होता है स्लाइवा। स्लाइवा क्या करता है, जब पानी स्लाइवा के साथ मिल जाता है वो धीरे धीरे हमारे अंदर उतरता है, घूट घूट करके जब हम पीते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा फायदे मिलते हैं। आपका खाना अच्छे से पच पाता है, ठीक है, आपको पानी की रेशो जो आपकी बॉडी में चाहिए थी वो कवर हो जाती है, इनडाइजेशन दूर होता है, जॉइंट पेन दूर होता है, आपका हेयर फॉल जल्दी से नहीं होगा चाहे कोई भी सीज़न होगा, और आपके स्किन पर एजिंग नहीं आएगी, आप पूरा दिन थका हुआ बिल्कुल भी फील नहीं करेंगे। तो आज से जब भी पानी पिए सिप सिप करके पिए। अब इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी आखिरी गलती की तरफ। दोस्तों, बात आ जाती है खड़े होकर पानी पीना, जो हम में से बहुत सारे लोग करते हैं। शायद जो मेरा वीडियो भी देख रहे हैं वो भी खड़े होकर पानी पी रहे होंगे। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आज से इस अपनी आदत को सुधार लें। क्यों सुधार लें, क्योंकि जब हम खड़े होकर पानी पीते हैं तो इसका जिक्र आयुर्वेद में भी किया गया है कि जब हम खड़े होकर पानी पीते हैं तो वो हमारे बॉडी में डायरेक्टली उतरता है, हवा भी उतर जाती है, जिसकी वजह से हमारे जॉइंट पेन होने लगता है, कमर में दर्द होने लगता है, हमारी नसों में सूजन आने लगती है, और नसें हमारी धीरे धीरे फूलने लग जाती हैं, जिसमें आपने देखा होगा कहीं कईयों की नसों में गांठें बन जाती हैं। तो ये प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है, और इसके साथ साथ अननेसेसरी हमारा वेट गेन भी होना शुरू हो जाता है। तो जो भी हेल्दी रहना चाहते हैं, वेट लॉस नहीं, हेल्दी रहना चाहते हैं, बीमारियों से बचना चाहते हैं, तो हमेशा पानी को बैठ कर पिए। क्योंकि आजकल की लाइफ इतनी ज़्यादा फास्ट है, हम ट्रैवल कर रहे हैं, बहुत लोग रनिंग करते टाइम पानी पी रहे होते हैं, जिम करते टाइम पानी पी रहे होते हैं, लेकिन खड़े होकर पी रहे होते हैं। अगर आपके पास खड़े होने की कोई जगह नहीं तो आप पैरों भार नीचे बैठ जाएं, बिल्कुल भी शर्माएं नहीं, चाहे आप किसी पब्लिक प्लेस पर भी हों, क्योंकि अगर आपका शरीर सही है तो सब सही है ना। दूसरों को देखने के चक्कर में, थोड़ा सा एम्बैरेस होने के चक्कर में आप ये बिल्कुल ना करें कि अपने शरीर के साथ खिलवाड़ ना करें कि चल एक ही बार तो पिया है, दो ही तो बार पिया है, और यही करते करते आपके ब्लॉटिंग को पैदा करता है, आपके पेट में ज़्यादा एसिडिटी बनने लगती है, आपको खाना पचना बंद हो जाता है, और आपका मेटाबॉलिज्म बहुत लो हो जाता है। तो हमेशा बैठ कर आराम से सिप सिप करके पानी पिए। तो आज इस वीडियो में मैंने आपसे 5 तरीके शेयर करे हैं जो आप गलती करते आ रहे हैं और कैसे उनको सुधारना है। आई होप कि आपको इतना ज़्यादा इनोवेटिव वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आप बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, हर कोई इस वीडियो को आराम से फॉलो करे और ज़िंदगी भर स्वस्थ रहे, मस्त रहे, ठीक है, और ऐसे ही हमेशा मुझे प्यार देता रहे। मैं हमेशा आपके लिए कुछ ऐसे इनोवेटिव वीडियोस लाती रहूँगी, आपकी ज़िंदगी को खुशनुमा बनाती रहूँगी। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, लव यू ऑल।